या स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर माय लेक्चर ऑन बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ। इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। आवर कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। म्यूचुअल कोऑपरेशन मीन्स एक साथ मिलजुल कर काम करना। हमारी जो लाइफ है वो किस पर, किसके आधार पर बेस्ड है? एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना है, जब जाकर ही हमारा कम्युनिटी बेस्ड होता है। ओके बच्चों, कम्युनिटी ही फॉर्म होता है। हम जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो तब तक कम्युनिटी कैसे बनेंगी? ओके, तो फिर कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। धीरे धीरे उनके अंदर डेवलपमेंट आता गया और वो कम्युनिटी भी फॉर्म करना स्टार्ट कर चुके। द फार्मर्स इन द विलेज सेटलमेंट्स वे नाउ प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड, दे नीडेड स्किल्स क्राफ्टमैन फॉर टास्क लाइक मेकिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयरिंग देम। सच क्राफ्टमैन वेर पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन और अदर आर्टिकल्स। द क्राफ्टमैन नीडेड टू ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। द प्राइस ऑफ दिस रॉ मटेरियल वॉज ऑल्सो पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन आर्टिकल्स एक्सेट्रा। यानी कम्युनिटी लाइफ जो थी किस पर बेस थी? कि जो विलेज सेटलमेंट थे, जो फार्मर्स थे, वो सरप्लस फूड प्रोड्यूस कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे, क्राफ्टमैन के और जो नीडेड स्किल्स थे वो क्राफ्टमैन अपने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए उस टास्क को कंप्लीट कर रहे थे। सच क्राफ्टमैन क्या कर रहे थे, वेयर पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स और अदर आर्टिकल्स और ऑप्टेड देयर रॉ मटेरियल्स। बाटा सिस्टम स्टार्ट हो गया है बच्चों यहाँ पे। जैसे अब देखो, हर कोई फार्मर नहीं है। अब किसी सभी अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो जो दूसरी जरूरत है, तो दूसरी ऑक्यूपेशन के लिए दूसरा हुनर भी तो चाहिए ना बच्चों। फूड सब कोई, अगर हर कोई फार्मर बन जाए एग्रीकल्चर करेगा तो फिर बाकी के जो काम है फिर वो कौन करेगा? तो इसीलिए है ना, जो दूसरे स्पेशल स्किल के लोग थे वो फार्मिंग से हटकर दूसरे टूल्स बनाने लगे। लाइक एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले टूल्स कोई मेक कर रहे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बना रहे थे इसी तरीके से। और वो जब बना रहे थे उस टाइम तो मनी नहीं था, तो वो क्या कर रहे थे, वो टूल्स को ऐसे बेच रहे थे और उसके बदले में फूड ग्रेन ले रहे थे। ओके, द क्राफ्टमैन नीडेड टू ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। द प्राइस ऑफ दिस रॉ मटेरियल वाज आल्सो पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स आर्टिकल्स एक्सेट्रा। द विलेज कम्युनिटी मेड रूल्स फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन। विलेज कम्युनिटी ने क्या किए, रूल्स बनाए म्यूचुअल कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू कीप दिस सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रनिंग स्मूथली। यानी अब देखो, उस पीरियड में पैसा नहीं था, फिर वो अब ये जो सारे फंक्शंस हो रहे थे वो स्मूथली रन करना था, तो कैसे, हाउ टू रन स्मूथली, तो उन्होंने दे मेड अ रूल्स। ओके, दे मेड रूल्स फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन। ओके, व्हाई? बिकॉज रन ऑफ दिस सिस्टम रन स्मूथली। पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल्स बिकेम द चीफ्स ऑफ विलेज सेटलमेंट्स। और हर किसी पीपल को जिम्मेदार बनाया गया था कि वो इस रूल्स को फॉलो करेंगे ताकि उनका जो विलेज सेटलमेंट है वो अच्छे से हो पाए। द चीफ्स वेर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द विलेज। और उसमें क्या कहे, रूल्स और रेगुलेशन बनाए और चीफ्स बना दिए गए और वो चीफ क्या करते थे, इस रूल्स के प्रोटेक्शन करते थे। दिस इज हाउ टू विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम केम इन टू बींग। अब देखिए, विलेज बन गया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रूल बन गए। रूल बनते ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं, रूल्स और रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना। एविडेंस ऑफ प्रोटेक्टिव वॉल्स एंड मोट्स अराउंड द विलेज सेटलमेंट्स ऑफ द न्यू स्टोन एज हैज बीन फाउंड इन एक्सकोवेशन। यानी ये एविडेंस है कि उस पीरियड में भी रूल्स और रेगुलेशन थे और ये कब हमको एक्सकवेशन के दरमियान ये मिले, न्यू स्टोन एज में। ओके, दीज वॉल्स वेर बिल्ट टू प्रोटेक्ट द विलेज सेटलमेंट्स फ्रॉम फ्लूट्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड आउटसाइडर हु स्टोल द विलेज कैटल। स्टिल लेटर पीपल बिगैन टू बिल्ड क्वाड्रेंगुलर हाउसेस ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स। सम हाउसेस अपीयर टू हैव हैड मोर देन वन रूम। The houses were built very close to each other. Regional differences are seen in the style of construction house depending on the local climate. देखिए, म्यूचुअल कॉपरेशन में इन्होंने क्या किए, अब फार्मर्स फूड सरप्लस करने लगे, सरप्लस फूड भी प्रोड्यूस करने लगे। फिर दूसरे जो हुनर के लोग थे उन्होंने टूल्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया। फिर बाटा सिस्टम आ गया। बाटा सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें आप क्या बोलते हैं सो
रॉ मटेरियल देकर उसमें आप क्या कर रहे हैं, उनके पास से फूड ग्रेन खरीद रहे, उसको बाटा सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके बाटा सिस्टम में हमको क्या था, बिगैन टू बी यूज व्हेन देयर वाज अ नीडेड टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स और अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज एक्सेट्रा फ्रॉम अदर प्लेसेस। और सॉल्ट इज एसेंशियल था, आइटम था, मोस्ट ऑफ द विलेज सेटलमेंट्स नीडेड टू ऑब्टेन इट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। सॉल्ट ट्रेडर्स ऑल्सो ट्रेड आर्टिकल्स दे रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट। द सॉल्ट ट्रेडर्स हैव द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज। और इसी तरीके से क्या हुआ, उस पीरियड में बाटा सिस्टम के जरिए ट्रेड भी बढ़ते गए, यानी एक चीज से दूसरी चीज मिल रही थी उनको। और इस तरह जो सॉल्ट ट्रेडर्स आए थे उन्होंने ट्रेड को एक्सपैंड किया, यानी आगे बढ़ाया न्यू स्टोन में। और फिर उन्होंने न्यू रूल्स और रेगुलेशन बनाया, इसी तरीके से विलेज सेटलमेंट्स हो गया। और उसके बाद जो है उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस, द हाउसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज वेयर मेड ऑफ वैटल एंड डॉब, यानी वो गले सड़े वो जो चीजें होती थी ना उससे बिल्ड करते थे वो। स्टिल लेटर पीपुल बिगैन टू बिल्ड क्वाड्रेंगुलर हाउसेस बनाते थे वो, और जैसे सनड्राइड ब्रिक्स। और सम हाउसेस अपीयर टू हैव हैड मोर देन वन रूम, ओके, कुछ हाउसेस में क्या आता था, मोर देन वन रूम। द हाउसेस वे बिल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से मतलब नजदीक नजदीक हाउस को बिल्ड करते थे। रीजनल डिफरेंसेस आर सीन इन दिस स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउसेस डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट। कैसे बिल्ड करते थे वो, मेड ऑफ वैटल एंड डब, यानी गले सड़े चीजों से, और डब यानी प्लास्टर से, प्लास्टर से यानी गोबर वगैरह होता था ना उससे डब यानी प्लास्टर करते थे। दे वॉल्स वेरी स्क्रीन वोवन फ्रॉम स्टिक्स और बैम्बू, किससे बनाते थे, वोवन यानी स्टिक्स और बैम्बू से, और प्लास्टर विथ मर्डर काउ डंग यानी काउ का गोबर। लेटर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज सेटलमेंट्स ग्रे बिकॉज फूड वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी, मड यानी कीचड़ को कहते बच्चों, उससे वो पूरा प्लास्टर करते थे। और विलेज सेटलमेंट क्या ग्रे होता, बिकॉज फूड वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। अब देखो उन्होंने बहुत सरप्लस फूड प्रोड्यूस कर लिए थे ना, इसीलिए वो दूसरे वर्क कर रहे थे। अब उनको एग्रीकल्चर से हटके थोड़ा काफी वक्त मिल गया था, इसलिए वो दूसरी चीजों में अपना टाइम वहां पर वो कर रहे थे। बिकेम अ परमानेंट एंड एक्सपेंडेड। स्टिल लेटर पीपुल बिगैन टू बिल्ड क्वाड्रेंगुलर हाउसेस ऑफ सनड्राइड ब्रिक्स। सम हाउसेस अपीयर टू हैव हैड मोर देन वन रूम एंड रीजनल डिफरेंस आर सीन इन दिस स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउसेस डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट एंड विलेज सेटलमेंट एंड किनशिप एंड फैमिली। किनशिप किसको कहते हैं, ब्लड रिलेशन को। विलेज सेटलमेंट में अब उन्होंने एग्रीकल्चर में हुनर डेवलप कर लिए, डोमेस्टिकेशन में डेवलप कर लिए, फिर उनकी कम्युनिटी बन गई, कम्युनिटी बनने के बाद ट्रेड एक्सपैंड हो गया उनका, फिर वो लोग घर बनाने लगे, स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस। तो अब जाहिर सी बात है ना बच्चों, क्या वो फैमिली भी बचाना चाहेंगे, तो फैमिली किनशिप यानी ब्लड रिलेशन को कहते हैं। इट अपियर्स फ्रॉम द प्लान्स ऑफ द हाउसेस एंड द विलेज सेटलमेंट्स दैट पीपल स्टेइंग देयर बिलोंग टू अ सिंगल क्लैन। It means that they were all related to one another. Thus, the entire village settlement was an extended family. People living in one houses were close relations, but they were also members of the extended village family. A dead person was buried either in the house or in the courtyard. Perhaps the idea was that the person's bond with the family should not get cut off even after death. Families would also bury various articles with the dead person for them to use even after death. It appears from the plans of the houses and the village settlement that people staying there belong to a single clan. Yani clan kisko bolte hai? Kabile ko kehte hai. Ab kya kare log? Kabile se kabila banate gaye. It means that they were all related to one and another. Thus the entire village settlement was an extended family. एक कबीले से दूसरा कबीला, दूसरे कबीले से तीसरा कबीला, यानी ऐसे करके उनका जो है क्लैन यानी कबीले से कबीला बढ़ता गया और कबीला जाके विलेज हो गया, ओके, वॉज एन एक्सटेंडेड फैमिली, और उसके बाद बड़ी फैमिली बन गई। पीपल लिविंग इन वन हाउस वेयर क्लोज रिलेशन बट दे वेयर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ द एक्सटेंडेड विलेज फैमिली। और वो क्या करते थे, फिर जो डेड पर्सन थे उनको बरीड ईदर इन द हाउस और इन द कोर्ट यार्ड। बरीड का मतलब है दफना देते थे, और कहाँ पर, कोर्ट यार्ड यानी आंगन में ही।
ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान को बोलते हैं, मगर ये उस पीरियड में कोर्ट यार्ड में करते थे। कोर्ट यार्ड उसको कहते हैं जो आंगन होता है ना, खुला हुआ उसको। परहैप्स आइडिया वॉज दैट द पर्सन बॉर्न विद द फैमिली शुड नॉट गेट कट ऑफ इवन आफ्टर द डेथ, यानी फैमिलीज वुड ऑल्सो बरी वेरियस आर्टिकल्स विद द डेड पर्सन फॉर देम टू यूज इवन आफ्टर डेथ। फैमिलीज वुड ऑल्सो बरी वेरियस आर्टिकल्स, और फैमिली क्या करती थी उनके साथ वो भी आर्टिकल्स डेड पर्सन के साथ डाल देती थी, यानी यूज इवन आफ्टर डेथ। आई होप आर यू अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू स्टूडेंट्स।